हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 20 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर। वहीं ऐप पर आपको हर प्रकार की PDF फाइल, ऑडियो रिविजन, क्विजेज और वीडियोज मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप DRDO MTS का फॉर्म डाले हुए हैं तो आज DRDO MTS के लिए मैं मॉक टेस्ट ला रहा हूं एप्लीकेशन पर। तो सिर्फ ₹5 पे करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन टोटली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सिर्फ ₹5 पे करके आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश ने गाफा टैक्स लगाया है? तो गाफा कर फ्रांस ने लगाया है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों अदनान अल जुल्फी। इनको नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? इराक के जो करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है बरहम साली, उन्होंने इनको नामित किया है। ठीक है, अदनान अल जुल्फी के पास दोस्तों अब 30 दिनों का वक्त है। 30 दिनों के बाद इनको अब इराक की संसद में विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर ये 30 दिनों में अपना कैबिनेट का गठन नहीं कर पाते हैं तो इनकी भी वही हाल होगी जो मोहम्मद अल्लावी की हुई। मोहम्मद अल्लावी जब नियुक्त किए गए थे तो ये कैबिनेट के गठन करने में ये असमर्थ रहे थे, मतलब कि सक्सेस नहीं हो पाए थे। इस वजह से अब अदनान अल जुल्फी को बनाया जा रहा है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? तो मोहम्मद अल्लावी ने अपनी दावेदारी खो दी है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो अब इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? अदनान अल जुल्फी को। ठीक है, बरहम साली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इन्हें नामित किया है। चलिए अब इराक आया है तो इराक के बारे में जान लेते हैं। इराक देख लीजिए मैप में, बगदाद यहाँ की है राजधानी, इराकी दिनार है यहाँ की करेंसी, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और बरहम साली यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में DCA ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में DCA यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दोस्तों 83 तेजस लड़ाकू विमान, तेजस फाइटर विमान, फाइटर जेट्स खरीदने को मंजूरी दे दी है भारतीय वायुसेना के लिए। क्लियर है? ये देश में बनाया जाएगा यानी स्वदेशी होगा, स्वदेशी निर्मित होगा ये फाइटर जेट तेजस। इसके अलावा दोस्तों DCA ने 1300 करोड़ और के देश में ही बने जो रक्षा उत्पाद होंगे, डिफेंस प्रोडक्ट होंगे, उनको भी खरीदने को मंजूरी दी है। ये सब बनाए जाएंगे DRDO के द्वारा और HAL के द्वारा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है? तो इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 स्वदेश में निर्मित यानी भारत में निर्मित तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। क्लियर है? ये किस कैटेगरी के होंगे, कौन सा इनका वर्जन होगा? तो MK-1A होगा इस तेजस फाइटर जेट का टाइप। क्लियर है? अब आया है DRDO, तो हम लोग DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में 1 जनवरी को हुई थी इसकी स्थापना, 1 जनवरी को स्थापना हुई थी, इस वजह से 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO दिवस। अच्छा, DRDO के वर्तमान में चीफ हैं जी सतीश रेड्डी जी, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, जैसे DRDO भारत का एक संगठन है, ऐसे ही 12 और भारतीय संगठनों की मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको दी हुई है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। अभी कल या परसों वीडियो अपलोड हुई है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी वीडियो मिली हुई है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, बुक लॉन्च हुई है। इस बुक को लिखा है भालचंद्र मुंगेकर ने। किसने? भालचंद्र मुंगेकर ने। ये कौन है? ये दोस्तों भारत के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं ये भालचंद्र मुंगेकर। तो इन्होंने ये बुक लिखा है माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इस बुक को लॉन्च दोस्तों किया है हमारे भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी, और भी कुछ नेता शामिल थे इस बुक के लॉन्चिंग में, जैसे शरद पवार हो गए, डी राजा हो गए, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो इन लोगों ने इस पुस्तक को लॉन्च किया, माय इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक। क्लियर है? अभी हाल ही में दोस्तों एक और बुक लॉन्च हुई थी, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नांगवेकर ने लिखा था मनोहर पारिकर जी की बायोग्राफी पर। कौन सी बुक थी वो? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। तो इसे सदगुरु पाटिल और माया भूषण नांगवेकर ने लिखा है। साथ ही साथ एक और बुक
ताहिरा कश्यप ने लॉन्च करने की घोषणा की थी कि वो इस वर्ष के अंत तक लॉन्च करेंगी अपनी पुस्तक। क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था द 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग ए वीमन। क्या नाम था? द 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग ए वूमन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना में महिलाओं के अस्थाई कमीशन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में, महिलाओं के अस्थाई कमीशन को मंजूरी दी है, परमानेंट कमीशन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब केंद्र सरकार 3 महीनों के अंदर इसके लिए रूल और रेगुलेशन अपना तैयार करे और महिलाएं जो होंगी इंडियन नेवी में, अब वो परमानेंट कमीशन की जाएंगी। ठीक है, अब तक क्या होता था, वहाँ पर इंडियन नेवी में महिलाओं को परमानेंटली नहीं ज्वाइन कराया जाता था। इसको किसने सुनाया है फैसला, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो इसे दोस्तों जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया है। किसकी अध्यक्षता वाली? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसको आदेश दिया है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय नौसेना आया है तो हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। करमबीर सिंह जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ए अजय कुमार को कहाँ पर भारत का राजदूत बनाया गया? एक्चुअली में ये उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर है। तो ए अजय कुमार को दोस्तों युगांडा में भारत का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर बनाया गया है, युगांडा गणराज्य में। युगांडा अफ्रीकी महाद्वीप का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये सबसे गरीब देश है। तो ए अजय कुमार को बनाया गया है वहाँ पर भारत का उच्चायुक्त। क्लियर है, ए अजय कुमार कौन है? ये 2001 बैच के IFS ऑफिसर है। IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये ऑफिसर है। तो इनको वहाँ पर नया हाई कमिश्नर बनाया गया है। अच्छा, मैंने राजदूत क्यों कटवाया? क्योंकि दोस्तों राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में मैंने आपको उस दिन अंतर बताया था कि जो कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ की सदस्य होंगी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होंगी, वहाँ पर एक दूसरे के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे, हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के सदस्य नहीं होंगे, सदस्य कंट्री नहीं होगी, वहाँ पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेपाल वगैरह हो गए। हालांकि कुछ देश एक्सेप्शंस भी हैं, उसे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए युगांडा आया है तो युगांडा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। युगांडा की राजधानी है कंपाला। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी। कौन है? योवेरी मुसेवेनी। यहाँ की करेंसी है युगांडियन शिलिंग। अच्छा, ये तो था उच्चायुक्त और राजदूत से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी अजय बिसारिया का नाम आपको पता होगा, ये कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ऐसे ही गोपाल बागले को श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्लियर है, इन सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्रिसिल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में अरुंधति भट्टाचार्य ने क्रिसिल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। क्रिसिल में ये स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थी और इन्होंने अब वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण था, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों, ये US की एक कंपनी है सेल्सफोर्स, तो उसको भारत में ये ऑपरेट करने के लिए भारत का MD और CEO बनाई जाने वाली है। तो इस वजह से इन्होंने क्रिसिल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, अरुंधति भट्टाचार्य ने। अरुंधति भट्टाचार्य बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। SBI की पहली महिला अध्यक्ष थी अरुंधति भट्टाचार्य, और ये वर्तमान में स्विफ्ट इंडिया की भी अध्यक्ष है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्रिसिल बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज समिट 2020 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड सिटीज समिट 2020 का इसका 7th एडिशन दोस्तों आयोजित किया जाएगा सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। कब किया जाएगा? ये जुलाई 2020 में किया जाना है। लेकिन फिर वही बात, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं मैक्सिमम उसमें कैंसिल कर दिए जा रहे हैं या फिर पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं। कारण है कोरोना वायरस। अब देखा ये जाना है कि कोई भी जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना है वो टलता है या नहीं टलता है। अगर कोरोना पर तब तक काबू नहीं पाया गया तब इसके भी टलने के चांसेस हैं। अच्छा दोस्तों, कोरोना से याद आया, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी हुई थी, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी वीडियो आप लोग सर्च कीजिए नरेंद्र मोदी स्पीच के नाम से और पूरी की पूरी वीडियो देख डालिए। 28 से 29 मिनट की है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और जो जो कहा है करने को वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये हम सभी लोगों के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है इस समय, और सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर के वीडियो को देखिए, 28 से 29 मिनट की वीडियो है, स्पीच है उनकी, नरेंद्र मोदी स्पीच सर्च कीजिएगा, आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं इस समिट की थीम की।
तो वर्ल्ड सिटीज़ समिट 2020 की थीम रखी गई है लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एडॉप्टिंग टू डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड। नोट कर लीजिएगा, मैं थीम लिख दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए MD यानी नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं दोस्तों करण बाजवा को बनाया गया है। करण बाजवा इससे पहले ये IBM के भारत और दक्षिण एशिया के यानी साउथ एशिया के MD रह चुके हैं, इसके रूप में काम कर चुके हैं। तो अब इनको बनाया गया है भारत में कंपनी का नया प्रबंध निदेशक गूगल क्लाउड इंडिया का। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अभी कल की भी वीडियो में मैंने आपको कुछ नियुक्तियाँ बताई थी, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे M गोपाल रेड्डी को MP का यानी मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं हृदेश कुमार को जम्मू एंड कश्मीर का नया चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और वहीं रविंदर सिंह ढिल्लो को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का CMD नियुक्त किया गया है। क्लियर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी थल सेना किस देश की हो गई? तो विश्व की सबसे बड़ी थल सेना यानी ग्राउंड फोर्स हो गई है दोस्तों इंडिया की, भारत की हो गई है लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स। क्यों हो गई है, कैसे हो गई है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी थी ये लगातार अपनी आर्मी को डिक्रीज कर रही है, ठीक है, अपने ग्राउंड फोर्स को लगातार ये डिक्रीज कर रही है 2015 में इसने घोषणा की थी कि ये अपनी ग्राउंड फोर्सेस को डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, इसके पीछे का इसका क्या तर्क है? इसके पीछे का इसका रीज़न ये है कि चाइना ये चाहता है कि आने वाला जो युद्ध है वो एयरफोर्स का युद्ध है, एयरफोर्स का है या फिर मिसाइल्स वगैरह का युद्ध है। तो वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को लगातार कम कर रहा है और ग्राउंड फोर्सेस में केवल उतने ही सैनिक रख रहा है जितने वो परफेक्टली वो वर्क करा सके और जो वेल ट्रेंड हों, कम ही हों लेकिन सबसे बेस्ट हों। इस वजह से लगातार वो डिक्रीज कर रहा है और इस वजह से भारत ऊपर हो गया, ठीक है। भारत ने अपनी आर्मी बढ़ाई नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर हो गई है क्योंकि चाइना ने अपना डिक्रीज़ किया है, चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लगातार घटाई जा रही है। क्लियर है। अच्छा, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को बताया है डिफेंस ऑफ जापान 2019 की एक रिपोर्ट ने। किस रिपोर्ट ने? डिफेंस ऑफ जापान 2019 द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि इंडिया की ग्राउंड फोर्स हो गई है टॉप पर, सेकंड पर है नॉर्थ कोरिया की और चाइना की अब आ गई है थर्ड पर, ठीक है, चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी थर्ड पर आ गई है। चलिए अब भारतीय सेना आई है थल सेना, तो थल सेना के बारे में जानिए। थल सेना अब हो गई है 1.4 मिलियन पर्सनल के साथ। कितना? 1.4 मिलियन पर्सनल्स के साथ। मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अमेरिका ने कोरोना वायरस से आपातकालीन राहत पैकेज के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में $100 बिलियन को मंजूरी दी है। किसके लिए? कोरोना वायरस से आपातकालीन राहत पैकेज के लिए, इमरजेंसी रिलीफ पैकेज के लिए, फंड के लिए। ये नोवल कोरोना वायरस से बीमार जो हो जाते हैं अमेरिका के जो श्रमिक हैं, जो वहाँ के लेबर हैं, तो वो जो सिक लीव ले रहे हैं यानी कि छुट्टी ले रहे हैं बीमारी के कारण, तो उनके राहत पैकेज के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है। तो $100 बिलियन का राहत पैकेज यानी रिलीफ फंड देगा अमेरिका कोरोना वायरस के लिए। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है? कोरोना वायरस की वजह से ये अभियान शुरू किया गया है, इसके बारे में जितना जानकारी आपको पता हो डिटेल में लिखिएगा। अगला है, भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में लिखिएगा। बात करते हैं हम लोगों के नाम की, जो लोग डिटेल में आंसर किए थे कल की जो वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके नाम है नीलेश कुमार पटेल, कृतिका, अंकित कुमार, रविशंकर, उदय पंडित, शुभम कुमार, गुड्डू कुमार, अंजलि गुप्ता, सुरभि गुप्ता, अरविंद यादव, चरण सिंह, गुरुदेव यादव, विजय यादव, सबीर आलम, संदीप कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो बेल आइकन में प्रेस करने के बाद आल का ऑप्शन आएगा, आल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.